अरे ले ले मेरा बड़ा वाला बच्चा। हाँ, अरे आराम से बैठा है मेरा परा परा बच्चा, आराम से बैठा है, लार निकाल रहा है, पूरा गीला कर लेगा, अभी पूरा गीला कर लेगा। ओ, ये देखो ये नोनू क्या खा रहा है, भेलपूरी मंगवा लेती है। जैसे ही वो भेलपूरी वाला आता है और उसको देख के, मम्मा ये खाना है, मम्मा ये खाना है। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह एक्सरसाइज करके सफाई कर रहा हूँ यार, थोड़ी दिवाली की शुरुआत कर दी है, पर मेरा ये यार लग गया तो बस फिर कर ही दूंगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, देखो पंखे साफ़ किए हैं आज, पंखा चमक गया बिल्कुल, और गंदगी देखो कितनी पड़ी है नीचे, और ये लग लग के, और जैसे बाथरूम में जा रही है ना तो इसलिए बाथरूम गंदा हो गया, और अंदर वाला फ़ैन भी साफ़ कर दिया है, ये देखो चमक गया ये भी, इसमें देखो कितना कूड़ा निकला है, और इस पर भी पड़ा है, ये बिछा लिया था इस पर, नहीं तो चादर गंदी हो जाती। रिशु भी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई है और इसने पुट्टी कर दी फिर अभी, तो वो धोने गए थे तो बाथरूम और गंदा हो गया, पर अभी नहाएंगे, हमने नहाया नहीं है अभी, तो फिर हो जाएगा थोड़ा ठीक। इधर से एसी वगैरह साफ़ किया है, ऊपर से सारा ये साफ़ करूँगा, ये फ़ोटो फ्रेम भी साफ़ किया है, और फ़ोटो तो डाल लेनी है आज तक हमने लाइट और वो वाली भी लाइट, ये सब साफ़ कर दिए हैं, बस अभी ना थोड़ा दीवारें चमकानी है। लाइट देखो कैसे चमक गई, नहीं तो काली हुई पड़ी थी बिल्कुल। अंदर वाली भी साफ़ करूँगा यार लाइट। हाँ, गुंडू बेटा हंस रहा है, आप पलटी मार जाइए। नानू चुटकी काट रहा है मेरे को रिशु, यहाँ पे अभी काटी, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चढ़ जाओ ना, अकेले चढ़ तो जाते हो, चढ़ जा। इतना पानी इसमें वैसे घी निकालने के लिए डालना पड़ता है, फिर पानी जैसी हो जाती है, आप कहते नहीं हो कि पानी ज्यादा हो जाता है। इतना पानी डालना पड़ा है, आज आया ही नहीं, बिल्कुल गरम गरम हो रहा था, फिर ठंडा और डालना पड़ा, पहले नॉर्मल डाला फिर ठंडा। वैसे तो फिर घरों में लस्सी कैसे बनती है, तो वो भी बिल्कुल पानी बने, वो ज्यादा होती है ना यार, क्वांटिटी तो ज्यादा होती है उसमें, दही की जो वो दूध होता है उसकी, ये तो थोड़ा सा होता है, इसमें पानी तो डालना पड़ेगा वरना कैसे होएगा। और ये मलाई है यार, एक्चुअल में तो मलाई उतार देते हैं थोड़ी और उसकी दही जमा के और तब ये निकालते हैं, और ये गोभी के परांठे बनाने की तैयारी चल रही थी, इतने में ही रिशु ने पुट्टी कर दी थी। रिशु अभी पलटी मार जाती है तभी देखो टेढ़ी होगी, सोती भी अभी कई बार ऐसे ही है और बिल्कुल पूरी पलटी मार जाती है। मानू ये गिरा दिया आटा, आटा आटा अब नहीं लेना, तो पापा डाटा ने अभी तो ही क्या थे अभी पूरा लेके आ गया, क्यों उसी में डाल देते हैं यार, ये दोपहर को लगता रहेगा आज। ऊपर की तो सफाई होगी यार, सारी जाले वाले सब उतार दिए और सारी लाइटें सब साफ कर दिया है, अब नीचे की सफाई करनी है, और इसने पानी गिरा दिया नोनू ने यहाँ, दो देंगे तो सही रहेगा, और ये भी धोने हैं यार, ये आर्टिफिशियल फ्लावर से रखे हैं तो इन पे जैसे धूल जमी हुई है ना, तो पानी से धो देंगे साफ चमक जाएंगे, पहले भी हमने धोए हैं एक दो बार, और आर्टिफिशियल तो हैं ही, प्लास्टिक के क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कैमरा ऑन करके क्यों छोड़ देता है तू, बताओ ना बताओ ना बताओ ना, नोनू बताएगा बताओ ना, नोनू बताएगा बताओ ना, क्या बताऊं, पापा की रजाई नहीं आ जाए, ये नोनू की रजाई, पापा की कौन सी है, सो रहा है नोनू, तो नोनू परांठे नहीं खाएगा, नोनू सो रहा है, नहीं खाएगा ना, ताऊदा 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 ताऊदा, हाँ अचार, हाँ ताऊदा ताऊदा। सफाई कर रहे थे यार तो सोचा कूलर की घास भी निकाल दूं,
क्योंकि घास डली रहती है ना तो जर जाता है कूलर, तो ये निकाल रहा हूँ। एक तो निकाल दी है देखो, और दूसरी ये निकालने लग रहा हूँ। पिछली बार पेंट किया था यार देखो, फिर जर लग गया। वैसे यहाँ तो किया नहीं था, पर जिधर किया था ना वहाँ भी जर लग गया देखो। इसमें ना कई दिन पानी पड़ा रहा ऐसे ही। उधर देखो क्या हो गया, पोटी करेगा? चलो अंदर चलो, जाओ मम्मा के पास जाओ, पोटी करेगी ये। तो इनको निकाल देते हैं अगली बार ना, नई घास डाल देते हैं। और जैसे रखे रहे ना तो ये क्या होता है, ये सारे ना बहुत बुरी तरह जम जाती हैं। अब तो फिर भी चलो ठीक ठाक से ही निकल गई, देखो कितना जर लग गया। घास डली रहेगी ना तो और ज़्यादा जर लगेगा यार। बहुत ज्यादा मिट्टी निकली है यार, ये देखो क्या हालत होगी। और मेरे हाथों की हालत देखो, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी मिट्टी निकलेगी। बल्कि मैं तो मना कर रहा था इसको कि क्या जरूरत है, अगली बार ही निकाल लेंगे। और मैं घास अभी तो चेंज करी थी, ये सीजन भी आधा से ज़्यादा चला गया था तब चेंज करी थी हमने घास। तो मैं कह रहा था कि अगले सीज़न और चल जाएगी, तो फिर इसने कहा ना निकाल के रख दो जर लग जाएगा। तो वाकई में ख़राब हालत थी यार, सही किया निकाल दी। अब बेटा ना इनको ना छिड़ो, ये रखने भूल गया यार, अंदर ही रख देता हूँ इसके आगे। तो जाने चाहिए मेरे ख्याल से, जाएंगे इसको थोड़ा सा साइड में करके। नानू एक मिनट डटो। और ये मैंने यूं का यूं रख लिया था, एक खिड़की पे लगाया हुआ था। मैं अगली बार फिर रुको 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 लग जाएगा बेटा ये सारे। हाँ ये भी ले रहा हूँ, रुको तो जाएंगे यार इसमें, ये थोड़ा वो करने पड़ेंगे। पानी वाली मोटर हटाए एक बार, एक एक करके नहीं इनको थोड़ा जिस साइड से लंबे हो ना उस साइड से करे एक बार। इनको नीचे रखे, नीचे रख के एक मिनट रुक जाओ। देखो ऊपर 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 अट रहा है, देखिए यहाँ अभी इकट्ठा रख, नहीं तो यहीं रख, यहीं रख दो। अब बंद कर दे, कितनी हल्की हो गई ये, कितना कूड़ा निकल गया। मैं कह रही थी ना कि आप कह रहे थे नहीं अगली बार चल जाएंगे, इतना जल जाता है ये कूलर, दोबारा पेंट करने का भी नहीं रहता। जल गया अलग सारा, देखिए मैं क्या तो रही, ये तो सारे का पेंट मार दिया था जब, तो अगली बार फिर मारना पड़ेगा। अरे पूरा रखते तो ये अंदर से भी पूरी खा जाती मिट्टी, इतनी है इतनी मिट्टी, मेरे ख्याल से धूल से भर जाती है यार। पानी में तो इतनी मिट्टी थोड़ी ना होगी, पानी में तो हल्की फुल्की होगी। ये धूल लग लग के जैसे बाहर रखा रहता है ना तो मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाती है। क्या कर रहे हो ये, चलो नहीं नहीं करेंगे बेटा, उनका पानी गर्म हो गया, आ जाओ चले। गर्म नहीं हुआ क्यों, चल नहीं रही, चल ही नहीं रही। हाँ चल तो रही है, देखिए हो गया होगा गर्म। या फिर ये हो सकता है अब चली हो, तब चली ना हो। कोई नहीं 5-7 मिनट में हो जाएगा, इतना ज़्यादा तो गर्म भी नहीं चाहिए अब, अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है ना।
पर लेकिन ये है कि बच्चों को तो गर्म में ही नहलाते हैं। मैं तो ठंडे से नहाता हूँ यार अभी, ये भी वैसे गर्म से ही नहाती है, मैं नहाता हूँ ठंडे से। अभी तो देखो धूप निकलाई है बढ़िया। तो आज तो धनतेरस है यार, तो मार्केट में भी जाना है। ड्रेस लेके आई थी ये दोनों बच्चों के लिए, तो नन्नू की जो ड्रेस है ना वो ठीक आई नहीं, इसको थोड़ी टाइट आई है और वो मेरे को पसंद भी नहीं आई ज़्यादा। अकेली गई थी ये, बच्चों को लेके नहीं गई। अभी मार्केट से आया हूँ यार, दो चक्कर काटे हैं। एक चक्कर तो पहले काट गया, वाइपर लेके आया था, झाड़ू वगैरह लेके आया था, ये वाइपर लेके आया हूँ ये खड़ा, और झाड़ू लेके आया था, और मतलब थोड़ी बहुत और क्या लेके आया था। माला वाला नहीं लेके आया, तिल का तेल लेके आया। हाँ बेटा, तिल का तेल, हाँ तिल का तेल दिखाओ नोनू के तब पे। हाँ पर्दे देख, पहले पर्दे देख। कितने कितने के होंगे तो बता। उनके के कप्पे, अच्छा वेलकम। ये देखो भाई नोनो के कपड़े देखो, ये देखो नोनो के कपड़े देख ले। मम्मा को दिखाओ एक बार नोनो, उनको बताओ मम्मा कैसे हैं मेरे कप्पे। ले स्ट्रेचेबल है ये शर्ट भी, ठीक है ना, 500 के दे दिए। ठीक है नोनो, नोनो के कपड़े बहुत अच्छे हैं। कपड़ों की वैरायटी ठीक नहीं है बच्चों को ले यार। ठीक है, उसके पास हाँ कह रहा था कि कल जाऊंगा और सामान कल आएगा, आज कम रह रहा था। पर्दे देख, खोल पर्दे देख, कपड़ा ठीक है ना। और ड्रेस नहीं है ये नोनू की, ये पर्दे हैं बेटा, पर्दे पर्दे। हाँ क्यों, यहाँ एक का क्या करेगी, कोई फायदा नहीं है यहाँ एक लगाने का। यहाँ कह रही है यार इसमें इतने चौड़े में एक पर्दा लगा देंगे। हाँ अभी एक ही लेके आया था मैं, अगर दो की जरूरत हुई, वैसे दो लगेंगे एक में काम चलेगा नहीं। इतने चौड़े में देखो यार, इसमें एक पर्दे में कहाँ काम चलेगा। तो पर्दे फोल्ड भी तो होते हैं ना, तो समझे नहीं। और जैसे अभी तक हम चादर टांग रहे थे पूरी ऐसी टंग रही थी वो, तो पर्दे बिल्कुल ऐसे नहीं टंगे गए स्ट्रेट। अच्छा, पर्दे तो थोड़े फोल्ड होएंगे ना। हाँ तो इसलिए दो चाहिए होंगे। 125 रुपये का एक पर्दा है ना, 100 तो 125 से ज़्यादा हुए। उसने यार 200 के दिखाए, 190 के, 165 के, सबसे कम दिखाया ये 125 का, जितने उसने मेरे को दिखाए। सबसे सही कपड़ा कलर सारा मेरे को यही सही लगा। वो कह रहा है 165 वाला ले जाओ, मैं कहा इससे बढ़िया तो मेरे को ये लग रहे हैं तो मैं वो क्यों ले जाऊँ। या तो वो कम से कम बढ़िया लग रहे हों इनसे, और कपड़ा भी थोड़ा सही लग रहा तो लेके भी जाऊँ, मेरे को तो पसंद ही ये आ रहे हैं तो मैं तो यही लेके जाऊँगा। हाँ बाकी तो आपको टांग के दिखाएंगे यार, है 125 का एक, और 125 के सारे लोगे। नोनो नोनो के लिए चिज्जी भी आ गई देखो, ये क्या क्या चिज्जी है। ओए रुको, हाथ गंदे हो जाएंगे। इमरती 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 जलेबी, नोनो खाएगा जलेबी। इमरती बोलो, इमरती अमृती। इमरती क्या होता है, अमृती इमरती हो है, इमरती अमृती इमरती हो है, अमृती बता दिया। मम्मा मम्मा ये नया ये
क्या है? कौन सी भाषा बोल रहे है? हैं? पापा की है? ये पापा की है, जल्दी दे दो। रिशु को पर्दे लेने हैं, पर्दे। रिशु पर्दे चेक कर रहा है, वही ठीक है नहीं है। रिशु ठीक है? ये खा लेते हैं, वैसे ये ठंडी हो जाएंगी फिर ना तो। हाँ और क्या, देख के खा ला फटाफट। हाँ क्या अलग अलग ही बोल रहे खुल के बोल रहे बताइए तुम्हें वो क्या। हाँ तो इसके लिए चाय जरूरी थोड़ी है, इसके साथ चाय कौन पिया करे? चाय तो मैं वैसे कह रहा था पापा क्यों नहीं। कैसी लगी है तो बताओ। ठीक है जी, ठीक है वैसे बड़ी बढ़िया। कौन गरम गरम तो अच्छी लगी वैसे, ये 300 रुपये किलो यार। नॉर्मल जलेबी थी 160 रुपये किलो। नॉर्मल जलेबी में हमें घना फर्क तो ना लगे हमें तो। ये जैसे थोड़ी सॉफ्ट है जलेबी, थोड़ी करारी करारी सी, बस यही फर्क लगे मन दो। आज के इस व्लॉग को करते हैं यार यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले व्लॉग्स का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मन करो बाय बाय।